आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का आयोजन होता है। देश भर में इसकी धूम रहती है। जगन्नाथपुरी में विशेष मुख्य आयोजन होता है। उसके बाद जिलों की नगरी उदयपुर का हम हाल जानने के लिए आए हैं। यहाँ पर रथ यात्रा की तैयारियाँ जोर शोर से हो रही हैं और प्रतिवर्ष जो रथ यात्रा निकलती है उसके लिए देश और दुनिया के जो पर्यटक हैं वो विशेष करके जिलों की नगरी उदयपुर में आते हैं और जगदीश मंदिर से शुरू होकर रथ यात्रा निकलती है। पूरे शहर भर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जनमेदिनी अपार रूप से उमड़ती है और इस रथ यात्रा का पूरी तरह से आनंदित होकर पूरा आनंद भाव से आनंद लेती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं रथ यात्रा की? 20 जून को ये रथ यात्रा निकलेगी और अभी से तैयारियां ये अंतिम चरण में हैं। रथ यात्रा का मुख्य आयोजन जगन्नाथपुरी में होता है और इसके साथ ही देश और दुनिया में रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ जगन्नाथ स्वामी के जगदीश मंदिर में यहाँ भव्य महोत्सव होता है जगन्नाथ रथ यात्रा का। लाखों लोग उमड़ते हैं, ठाकुर जी की जब सवारी निकलती है रथ जनता के बीच जाता है तो आह्लादित मन से जनता अपार रूप से स्वागत करती हैं और अब की बार विशेष रूप से जन मेदिनी भगवान का स्वागत करने के लिए आह्लादित हैं, उमंगित हैं। लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी और तूफान के चलते कई संकट तो आ रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता जुटे हुए व्यापक रूप से तैयारी की हैं और पूरे शहर को केसरिया ध्वज से पाट दिया है और विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। रथ को सजाया जा रहा है, भजन संध्या भी है, इसमें कई कलाकार आ रहे हैं। भजन संध्या में 19 तारीख को भजन संध्या रखी गई है, पहले ये 18 तारीख को थी। रथ समिति के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं रथ की तैयारी में, रथ को आगे भी कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, कहीं कोई खामी न रह जाए रथ में, इसलिए जुटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा धूमधाम से निकले, रात दिन रथ यात्रा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं इस तैयारियों में और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। रथ समिति हो, धर्मोत्सव समिति हो, पुजारी परिषद हो, सभी जुटे हुए हैं भगवान की सेवा में और भव्य रूप से रथ यात्रा निकले, इसी की कामना सभी कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा 20 जून को जिलों की नगरी उदयपुर में भव्यता के साथ में निकलेगी। हम आपको बताते हैं कि जिस रूप में यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है लेकिन मंदिर के परिसर के अंदर भी ये रथ यात्रा निकलती है जो पारंपरिक हैं और इस छोटे रथ के माध्यम से यहाँ पर मंदिर में परिक्रमा में ये रथ यात्रा निकलेगी और पूरे सदियों से जब से मंदिर बना है तब से ये रथ यात्रा यहाँ पर निकलती आई है और विशेष रूप से जो रथ यात्रा का महत्व है, क्या महत्व है इस रथ यात्रा का और किस रूप में ये रथ यात्रा निकलती है, हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी हैं राम गोपाल जी, आप बताएं क्या महत्व है रथ यात्रा का और किस रूप में जिलों की नगरी उदयपुर में ये रथ यात्रा निकाली जाती है और क्या तैयारियां हो रही हैं, जी बताएं। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से ये उत्सव आया है और जहाँ जहाँ जगदीश मंदिर है वहाँ निकले। पहला उड़ीसा में निकलती है, सेकंड अहमदाबाद में और तीसरे नंबर पर उदयपुर है। और इस मंदिर में पहले राजा लोगों के समय में घंटाघर तक जाती थी और वापस आती थी, राजा को राज गए उसके बाद मंदिर में मंदिर परिक्रमा में फिरती है और अभी एक 22 साल से सिटी में घूमने लगी है। और इस पर स्वर्ण रथ बना हुआ है, चांदी का रथ बना हुआ है, मंदिर में लकड़ी का रथ है छोटा, ये परिक्रमा में घूमता है, खेवे भाई चलता है और
अंदर आने के बाद ये सिटी में चलता है। सिटी में स्वरूप बना हुआ है, बड़ा स्वरूप जो रथ में प्राण प्रतिष्ठा करके पुरुष सूक्त स्त्री सूक्त की पूजा करने के बाद शहर में फिरता है। अषाढ़ शुद्ध बीज को दिन में यहाँ निकलेगी, 1 बजे 1:30 बजे मंदिर में निकलेगी, 3 बजे के बाद नीचे वाले रथ में भगवान पधारेंगे, जुलूस के साथ बंदूक की सलामी होगी, इस तरह से जगह जगह आरती होगी और स्वागत होते हुए बड़ा बाजार सिंधी बाजार इधर मोचीवाड़ा होते हुए आरएमबी तक स्कूल तक जाके गुलाबबाग होते हुए वापिस आएगी और जगदीश चौक में माँ आरती होगी। और रथ यात्रा के दिन ठाकुर जी को क्या विशेष श्रृंगार धारण? केसरिया वागा कसुमल वागे पर सेवा होगी, मेवाड़ी बाग होगी, मोर मुकट हो सकता है, इस तरह से सेवा होगी और मोर मुकट होगा और जीवन में कई नैवेद्य लगाए जाएंगे आम के बर्फी आम के इस सिस्टम पे आराम काले जामुन इस तरह से केले फल फ्रूट उगाए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी श्रीमाली, आप बताएं सर किस तरह की तैयारियां यहां पर हो रही हैं और क्या यहां का पूरा शेड्यूल रहेगा? पूरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा नंबर 3 पे आती है। पहले नंबर पे उड़ीसा जगन्नाथपुरी की, दूसरी अहमदाबाद की, तीसरी उदयपुर की आती है। 20 तारीख को भगवान जगन्नाथ स्वामी की जगदीश मंदिर से रथ यात्रा प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महाआरती के साथ जगदीश चौक में संपन्न होगी। इस वर्ष विशेष रूप से गत वर्ष जो आयोजन हुआ था कर्फ्यू के बावजूद भी इस रथ यात्रा का आनंद हुआ था। इसमें मैं प्रमुख रूप से दिनेश जी एमएन का धन्यवाद करता हूं कि उनके आने के बाद यह रथ यात्रा सकुशल संपन्न हो सकी। इस वर्ष मैं ये मानता हूँ कि उससे भी अधिक संख्या में भक्त लोग इस रथ यात्रा में शामिल होंगे और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक भक्त इसमें मेवाड़ी वेशभूषा पहनकर इस रथ यात्रा में शामिल हो और आनंद लें। हम तो ये चाहते बहुत ज़्यादा भीड़ आए, भगवान ठाकुर जी का रथ है। समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा इस रथ को पूर्ण रूप से इसका संपूर्ण कार्य पूरा हो चुका है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के दिन अब निकट हैं और जिस रूप में ठाकुर जी का रथ भव्य रूप से तैयार होता है उसके लिए 2 दिन पहले ही यहां पर जगदीश चौक में रथ को नीचे उतारा जाता है और उसका पूरी तरह से निर्माण किया जाता है, उसको भव्यता दी जाती है। एक एक जो रथ के भाग हैं उसको जोड़ जोड़ कर और पूरी तरह से दिव्य रूप में रथ तैयार किया जाता है चौक में ही। आज आ रहा है और आज इंद्रदेव ने क्या मेहरबानी की है और ठाकुर जी की सेवा में हाजिर हुए हैं इंद्रदेव। बताए संध्या आरती के बाद करीब 2 कार्यकर्ताओं ने रथ को जोड़ने का एक एक आइटम किया। उसके पहले गणेश जी की पूजा हुई, रथ के व्हील यानी पहिए की पूजा हुई, दुर्गा जी परिषद द्वारा पूजा की गई, गंगा जल छिड़का गया, पानी से धोया गया, फिर एक एक पार्क नीचे लाया गया और ये सब जैसे फिट कर रहे थे लोगों में बहुत गर्मी थी। यहाँ म्यूजिक भी बज रहा था, ढोल भी बज रहे थे, उसके माँ बेच के बहुत पसीना हो रहा था, लेकिन जगन्नाथ स्वामी इंद्रदेव की कृपा रही, जोरदार बच्चा रही, लोगों में उत्साह हुआ, गिले हुए, हम भी यहाँ बैठे हैं जब वो और कार्यकर्ता अभी भी तरपाल लगा के अंदर घुस के वो उनका फिटिंग का काम चल रहा है, फिटिंग का काम नहीं हुआ लेकिन तरपाल लगा दिया गया है और कार्यकर्ता अंदर फिट कर रहे हैं। लाइटें जब वो बंद हो गई है लेकिन मोबाइल की लाइट से वो फिटिंग का काम चल रहा है, आगू का काम करके रुकेगा आगे भी चलता रहेगा, आगे की बात अगर रखें नहीं होगी। बताओ सर, मैं फोटोग्राफी करता हूँ हर साल, मेरे को कई साल हो गए फोटोग्राफी करते हुए, इस साल मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छी ठाकुर जी के कुछ फोटोग्राफ निकाल के और मंदिर में लगाने के लिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ अच्छे फोटोग्राफ लाऊँ। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत जोरदार आनंद आ रहा है, भगवान जगन्नाथ स्वामी का पीछे उतरे और आनंद ही आनंद। बताओ अच्छा लग रहा है, रथ यात्रा की तैयारी को जोर से कर रही है, बारिश का जो आनंद हुआ है, ठाकुर जी ने सब तरफ पवित्र पवित्र सब काम कर लगे हुए, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। मेरा नाम पीयूष है और अभी इस रथ को गांव में बहुत अच्छा आनंद है उतारा गया है, गजानन जी की पूजा करी गई है, एक एक बार से उतारे गए रथ के और आगे भी काम इसका चलता रहेगा। जय हर कार्यक्रम के फोटो अच्छे अच्छे फोटो खींचते हैं और विष्णु जी सोनी हमारे परम मित्र हैं, आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? लड्डू खा रहे हैं गरम गरम।
और ये रथ आगामी 20 जून को शहर भ्रमण को निकलेगा, जिसमें ठाकुर जी जगन्नाथ स्वामी जी खुद यानी भगवान आपके द्वार जाएंगे और प्रभु सब लोगों को दर्शन देंगे। ये जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ से जगदीश मंदिर से आरंभ होकर घंटाघर, बड़ा बाजार, मोचीवाड़ा, बरभुजा घाटी, तीज का चौक, धान मंडी, मार्शल चौराहा, चीनी रेत का चौक, आरएमबी, आरएमबी से रंगनिवास, रंगनिवास से बटेट टूटा होती हुई पुल जगदीश मंदिर आएगी, जहां पर महा आरती पे समापन होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भारी उत्साह है और इंद्रदेव भी पूरे मेहरबान है, परंतु भगवान की रथ यात्रा को लेकर आम जन में और समाज जन में और संगठनों में और स्वागत करने वालों में भारी उत्साह है और रथ यात्रा जो पिछले वर्ष निकली उससे भी भारी उत्साह के साथ निकलेगी। चाहे इंद्रदेव भी हमारे साथ रहेंगे तो भी रथ यात्रा बहुत धूमधाम से निकलेगी और मैं आपकी चैनल के माध्यम से सभी को रथ यात्रा में आने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ स्वामी के निज मंदिर में भी रथ यात्रा निकलती है। यह रथ यात्रा पारंपरिक है और जब से मंदिर बना है तब से यह परंपरा चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है और इंद्रदेव इतने मेहरबान हैं कि यहाँ पर मौसम ही दो दिन से गटा टोप बना हुआ है, पूरी तरह से बारिश में रथ तो उतर गया है कई भागों में, लेकिन उसका कार्य जो होना था पूर्ण रूप से भव्यता के लिए वो बारिश के चलते जरूर प्रभावित हुआ। दो दिन तक रथ यूं ही ढका रहा और इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान रहे। आज कुछ मौसम खुला है तो सभी कार्यकर्ता फिर जुटे हैं रथ को पूरी तरह से भव्य सजाने के लिए। अब इंतजार है सभी को कि पूर्ण रूप से रथ पूर्ण रूप से भव्य रूप से सज जाए और रथ यात्रा में इंद्रदेव का विघ्न न आए, पूरी तरह से ठाट बाट से रथ यात्रा भव्यता के साथ में निकले। रथ यात्रा के रथ निर्माण में जिस तरह से प्रतिवर्ष यह रथ खुलता है और वापस जुड़ता है ठाकुर जी का रथ और पूरी तरह से भव्यता से रथ यात्रा निकली जाती है। दो दिन पूर्व यह रथ चौक में उतरता है और इसके एक एक भाग को जोड़ा जाता है। इस वर्ष बारिश की मेहरबानी हुई है, इंद्रदेव की मेहरबानी हुई है, वो मेहरबानी भी इतनी ज़्यादा हुई है तूफान के चलते, जहां तूफान तो था ही और बारिश भी भयंकर हुई है, इसके चलते रथ को पुनः जोड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। आप बताएं क्या यहाँ पर परेशानी हुई और अब क्या किया जा रहा है? कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे बारिश हुई है इस तरह से शहर में गंदगी थी, सारी गंदगी साफ हो गई है। सभी कार्यकर्ता जोश और उमंग के साथ उत्साह के साथ लगे हुए हैं और इसको कल सुबह हम पूरा तैयार कर लेंगे और प्रकृति हमें हमारा साथ देगी और भगवान जगन्नाथ स्वामी शहर को घूमने कर निकलेंगे तो पूरा शहर इन्होंने साफ कर दिया है और भगवान इस रथ यात्रा मार्ग में भक्तों का हालचाल जानने के लिए शहर को नगर भ्रमण को निकलेंगे। बताओ बस बढ़िया बढ़िया जगन्नाथी बहुत बढ़िया यात्रा निकली चाहे बस आप जी तो है बस क्या क्या प्रार्थना करते हो ठाकुर जी से? प्रार्थना जगह माने आराम हो विधि पूर्वक निकल जाए बस रथ यात्रा ठाकुर जी रथ यात्रा को सुख संदेश के साथ अच्छा विचार से निकलनी चाहिए और हर्षो उल्लास से कार्य होना चाहिए। का भार सही रूप में हो इसके लिए सभी रथ में चढ़े हैं एक बार की कि रथ में किस तरह से यह पूरी तरह से भार सहन कर सके, इस वजह से पूरी तरह से परीक्षण किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है उदयपुर मेवाड़ में हर साल की बात इस वर्ष की भजन संध्या और रथ यात्रा का उत्सव होता है। जैसे हमारे जैसे जयपुर में भरतपुर, कामा, वृंदावन, मथुरा वृंदावन, गुजरात, हमारा महाराष्ट्र सब तरफ पूरा विश्व में ये रथ यात्रा जोर पकड़ रहा है। इसी कदर भगवान को ही चाहते हैं शांतिपूर्वक वो शुभ यात्रा निकले और वह भविष्य के साथ निकले। जिलों की नगरी उदयपुर में रथ यात्रा निकलने वाली है और इसके पूर्व जो भजन संध्या होती है इस बार 18 जून को ये भजन संध्या होने वाली थी, लेकिन तूफान बारिश के चलते ये
अब भजन संध्या 19 तारीख शाम को होगी। यह भव्य रूप से भजन संध्या निर्विघ्नता पूर्वक हो और बारिश विघ्न न करे, इसके लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से कि इंद्रदेव की मेहरबानी तो हो, बादल आए लेकिन बारिश न हो। जिलों की नगरी उदयपुर में भव्य रथ यात्रा निकलती है और बाजारों में इसकी रौनक चौगुनी हो जाती है। जिस ठाट बाट से भगवान रथ में विराज कर निकलते हैं, भक्त इंतजार करते हैं कि कब रथ याद आए और हम ठाकुर जी के दर्शन करें। साल भर तक भक्तों को इंतजार रहता है इस रथ यात्रा का और यहाँ आने वाले पर्यटक भी इंतजार करते हैं। बताओ कितना उत्साह रहता है हमारे उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का। उत्साह दीपावली और होली के बराबर होता है। जितना महत्व दीपावली और होली के लिए हिंदुओं को रहता है, वैसा ही हिंदुओं को यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार रहता है। और इस बार भी करीब 1.5 लाख से ज़्यादा संख्या होने का अनुमान है और सभी बहुत उत्साहित हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। बताओ क्या उत्साह दिख रहा है? यात्रा यात्रा से हमारे इस पूरे क्षेत्र में अच्छा धार्मिक माहौल रहता है और ये उदयपुर का सबसे बड़ी यात्रा है और इसमें सबसे ज़्यादा भव्यता देखने को मिलती है और इससे एक नई जागृति उत्पन्न होती है। तो हम हमारे यहाँ अनूठा पर्व के हिसाब से मानते हैं और ये पर्व नहीं है, समझिए कि दीपावली के बराबर इसको माना जाता है, क्योंकि ठाकुर जी की जब यहाँ से देखते पूरे नगर में लोग फलक पावड़े बिछा के इंतजार करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय। सभी भक्तजनों की इतनी उत्साहिता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े धूमधाम और बड़े उत्साहित से निकले। हर हिंदू ये चाहता है तो उसके लिए कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हर साल जैसे भगवान का निकल रहा है, इस बार और भव्य होने जा रहा है। जो आज प्रोग्राम होना था आशा वैष्णव का मंदिर प्रांगण पे ही, वो इस तूफान की वजह से नहीं हो पाया। वो 19 तारीख का हम किया है समिति ने मिलके। अगर कल मौसम भी इस तरह से रहा तो फिर प्रभु इच्छा है और उसी भगवान के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ओ बैठो बैठो जगदीश भगवान जगदीश शोक में, थारा भगता जो वे है थारी बात, हेलो सुनवाने आव जे दर्शन देवाने आजे, थारे दूर देसा सुआवे जातरा, थारे दूर देसा सुआवे जातरा, थारो रथड़ो निकले है भारी भारी बात, जगदीश भगवान री जय बोलो। स्वामी की रथ यात्रा निकलेगी 20/6/2023 दिन को 3 बजे, तो सभी श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है कि कब जगन्नाथ स्वामी का रथ आएगा, हम दर्शन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसी इंतजार में साल भर तक इंतजार करना पड़ता है जगन्नाथ स्वामी का। तो इस 20/6/2023 को 3 बजे रथ निकलेगा जगदीश मंदिर से, 4:30 बजे तक आ जाएगा। निकलती हैं और सभी भक्त इंतजार करते हैं रथ यात्रा का कि कब ठाकुर जी का रथ आए और हम दर्शन उनकी करें। सेवा करें। हम सेवा करने के लिए बैठे हैं। सेवा करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं हम। किस तरह का इंतजार रहता है? बहुत इंतजार रहता है ठाकुर जी का। हमारा इंतजार रहता है हर साल हम कब ठाकुर जी यहाँ से निकले, हम उनको माला अर्पण करके और पुष्प मल लगा के और भोग तो आम पब्लिक के लिए भी हम सेवा करते हैं। यहाँ पर चाय हुआ, नाश्ता हुआ, फल फ्रूट हुए, पानी का काउंटर हुआ, आइसक्रीम हुई, ये सारा आयोजन हम यहाँ करते हैं। सब सेवा देते हैं, सब सेवा देते हैं ठाकुर जी के लिए। प्रेम से, बहुत ही आनंद, सब प्रेम से आनंद, बहुत आनंद आता है। जय ठाकुर जी की जय।